स्टूडेंट फाइनली आज आपका इंग्लिश का एग्जाम हो गया है और 100% वही क्वेश्चंस पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको पहले ही बताए थे, यानी कि जो क्वेश्चंस को हमने गेस कर रखा था, जिनकी गेसिंग हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आपसे कहा था कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए। आपके सामने पेपर होगा तो आप देख लीजिए, ये हायर सेकेंडरी एग्जाम मेन एग्जाम 2024 का इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर ये है, सेट सी है, सेट से फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेट ए बी सी या डी कुछ भी रहा हो, सेट में सिर्फ सीरियल नंबर चेंज किए गए थे, क्रम चेंज किया गया था, लेकिन क्वेश्चन सेम थे। ये पूरा का पूरा पेपर है, ये पैसेज है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस आंसर, तो आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ सेक्शन डी की तरफ और आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए, फिर मैं आपको अपनी गेसिंग से कंपेयर करवाऊंगा कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी थ्री क्वेश्चन हमें करना थे, फोर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। वाई हिज दी मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, चार क्वेश्चन है, इनमें से तीन करना थे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ये गेसिंग में क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताए थे। इसके बाद देख लीजिए आंसर द टू क्वेश्चन हमें करना थे, विस्तार से ली गए। Why does the third level refers to who is the Tiger King? Why does he get that name? Will Hana help the Wounded Man and wash him herself? ठीक है, ये तीन क्वेश्चन में से एनी टू करना थे। इसके बाद आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, What did Mr. ML say about French language? What made the peddler think that he had indeed fallen into right trap? Is Sahib happy working at the tea stall? और नीचे आते हैं, Write the central idea of the poem Keeping Quiet का था और Earthing of Beauty का central idea, दोनों में से एक करना था। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, व्हाट डिड रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। इसके बाद आगे आपको और क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, नीचे कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। ये रहा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, एनी फाइव हमें करना थे। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट डॉट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधीजी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड इज अराइवल चंपारण। इसके बाद वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बींग इंटरव्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिए, हम आपको काउंट करके बताते हैं ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं और वालों को। देखो वन टू यानी कि सिक्स ये क्वेश्चन है, छह क्वेश्चन ये हैं। इसके बाद सिक्स के बाद ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और वाले क्वेश्चन को भी हम काउंट कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमने आपको बता दी, सिक्स के बाद टू ये हो गए, एट हो गए, टू ये हो गए, टेन हो गए, और थ्री ये हो गए, हमारे कितने 13 हो गए, थ्री ये हो गए, 16 हो गए, और 4 ये हो गए, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हैं और के मिलाने के बाद 20 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए, 20 क्वेश्चन और वालों को भी हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गेसिंग की तरफ और आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन जो हमने आपको एज अ इम्पॉर्टेंट बताए थे। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं अपनी गेसिंग पर, तो ये देख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए हमने निकाल रखे थे, क्लास 12th इंग्लिश के थे, हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन निकाले थे, फ्लेमिंगो बुक पोएट्री के लिए हमने निकाले थे। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि पोम के नेम और पोएट के नेम आपको लर्न करना था, तो जो एक्सट्रेट हमारे एग्जाम में पूछा गया है, माय मदर एट 66 का एक्सट्रेट आया है, इसकी पोएटेस थी कमला दास, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नेम ऑफ द पोएट आया था और आपको पोएट का नेम हमने एक ट्रिक के थ्रू लर्न कराया था और आपने कर भी दिया होगा, ठीक है, कमला दास, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, देखिए व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यही सेम क्वेश्चन 2024 में आ चुका है, हमने इसको अपडेट कर लिया और हाईलाइट कर दिया है, 2024 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जो हमने आपको पहले ही बताया था। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके बाद लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, ये क्वेश्चन 2024 में आया है, 2022 में भी आया था, रिपीटेड है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था फिर आया, यानी कि ओवरऑल चारों के चारों क्वेश्चन आ चुके हैं, करना सिर्फ थ्री थे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पोएम के, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आ गए, यानी और वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन करने के लिए आया था लॉन्ग में, आई थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाई थी हमने, ये क्वेश्चन बताया था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं प्रोज के, जो आपने बताए थे वही आए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये क्वेश्चन 2024 में अभी आया है। हाउ डू एमएमएल प्रीज द फ्रेंच लैंग्वेज 2024 में, ये क्वेश्चन अभी हाल पूछा गया है, बिल्कुल ऊपर नीचे ही क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ये भी पूछा गया है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग, ये क्वेश्चन भी अभी आया है। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके बाद आगे लेके चलते हैं, देखो देखो इंडिगो से क्वेश्चन आए, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप 2024 में, ये भी आया है। व्हाट डॉट्स डिड एडला हेल्प, ये क्वेश्चन भी अभी आया है। लेट द
लेसे डेट गांधी जी 2022 में भी आया था, 24 में फिर आया, ये हमने अपडेट कर लिया और हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद आपको दिखाते चैप्टर नंबर 7 से इंटरव्यू से, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकाल रखे थे विस्तार बुक से, चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले थे विस्तार। इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, 2024 में ये क्वेश्चन अभी आया गया है इस चैप्टर में से। टाइगर किंग के दो क्वेश्चन हमने कहा था, दो क्वेश्चन आए, हु इज द टाइगर किंग, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद द एनिमी से, विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और नीचे आपको दिखाते हैं बस, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए हैं, और ये टाइगर किंग के सभी, तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो ये भी 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं, यानी एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है हमारी गेसिंग से। ये सिर्फ गेसिंग ही है जो हमने पहले गेस कर रखी थी, तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों आपको इस तरह से सपोर्ट मिला, प्यार मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका और भी सपोर्ट आगे भी हमें मिलता रहेगा, क्योंकि अभी आपकी जर्नी एंड नहीं होती है, अभी तो आपको 12th के बाद कॉलेज में जाना है, और कॉलेज के लेवल की ग्रामर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसकी ग्रामर हम इसी चैनल पर आपको सिखाएंगे। साथ में हम इंग्लिश स्पोकन का एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो भी हम आपको इसी चैनल पर सिखाएंगे। तो बस आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारे चैनल के बारे में अपने सभी फ्रेंड को सजेस्ट किए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके घर में छोटे बहन भाई हैं जो क्लास 10 12 या किसी भी क्लास की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो जिस भी क्लास के स्टूडेंट से, हर क्लास की इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश हमारे चैनल पर सिखाई जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर इंग्लिश यहाँ पर सिखाई जाती है। तो आप भी हमसे जुड़े रहिएगा, आप कहीं नहीं जाइएगा, आगे आपको इंग्लिश का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.